सही बच्चों नमस्कार, मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, आइगन का द्वितीय कार्यविकाओं का सिद्धांत। आइगन्स जो है थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेव्स प्रिंसिपल्स। आइगन ने जो द्वितीय कार्यविका का जो सिद्धांत दिया था उसने अपनी सिद्धांत में क्या क्या परिकल्पनाएं की थी वह आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने हाइगन का तरंग सिद्धांत पढ़ा, वेव थ्योरी, उसमें और इसमें अंतर है। हाइगन ने शुरू में अपना तरंग सिद्धांत दिया था, उसके कुछ समय पश्चात में उन्होंने जो है ये द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया था। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। यदि तरंग सिद्धांत यदि पूछा जाता तो पिछला वीडियो मैंने बना रखा है तरंग सिद्धांत वाला, और ये है द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, सेकेंडरी वेव्स प्रिंसिपल से ये हाइगन का, तो इसको ध्यान रखना है। तो हाइगन ने क्या माना था कि हाइगन ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मतलब जब किसी प्रकाश स्रोत से तरंग वो चलती है, संचरित होती है, प्रोपागेट होती है, तो उससे संबंधित ये हमारे पास सिद्धांत है। हाइगन के अनुसार क्या है कि जब भी कोई तरंग किसी माध्यम में चलती है तो उसी से संबंधित ये सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था इस हाइगन ने, उसको हम द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। और इसमें क्या क्या परिकल्पनाएं होगी ये हम इसमें देखेंगे। तो हाइगन के अनुसार जब तरंग किसी माध्यम से संचरित होती है तो उसी से संबंधित हाइगन ने अपनी परिकल्पनाएं की थी, हाइपोथेसिस किया था, मतलब उसमें अभिधारणाएं दी थी, और उन अभिधारणाओं को आज हम देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने परिकल्पना की थी, हाइपोथेसिस की थी कि जब किसी माध्यम में स्थित स्रोत से तरंगे निकलती है, मान लो कोई प्रकाश का स्रोत है, कुछ भी हो सकता है, सनलाइट, सन है, या बल्ब है, ट्यूब है, कुछ ट्यूबलाइट है, कुछ भी स्रोत हो सकता है, तो जब किसी माध्यम में स्थित स्रोत से, सोर्स से कोई सा मीडियम है और उसमें कोई स्रोत रखा हुआ, सोर्स रखा हुआ, उससे तरंगे क्या होती है, निकलती है, तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि जब भी किसी प्रकाश स्रोत से तरंगे निकलती है, कोई सा स्रोत हो सकता है, तो उस स्रोत के चारों ओर जो भी मीडियम है, माध्यम है, उसके जो कण है, पार्टिकल्स है, वो भी क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात नोट करना है कि जब भी किसी प्रकाश स्रोत से तरंगे निकलती है तो उसके चारों ओर के जो माध्यम के जो कण होते हैं वो भी कंपन या वाइब्रेट करने लगते हैं। फिर उन्होंने ये बताया, माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण के कण कंपन समान कला में होते हैं। देखा होगा आपने कि जब हम पानी के ऊपर कोई पत्थर फेंकते हैं या पानी के अंदर पत्थर डालते हैं तो उसमें इस तरह से वेव्स चलती है, एक साथ पार्टिकल ऊपर जाते हैं और एक साथ नीचे आते हैं, है ना, और गोलाकार इस प्रकार से आकृति आपने देखी होगी। तो वो जो जब हम पत्थर मारते हैं तो वो जो चलता है, बहुत सारी वेव्स एक साथ चलती है, तो उसको नाम देते हैं तरंगाग्र, वेव फ्रंट। तो जब भी किसी माध्यम में हम कोई प्रकाश स्रोत रखते हैं और उस प्रकाश स्रोत से क्या होता है, तरंगे निकलती है, तो उस माध्यम के कण भी कंपन करने लगते हैं। और एक माध्यम एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसमें जो तरंगे निकल रही है उनके कणों के कंपन समान होते हैं, मतलब एक साथ ऊपर जाते हैं, एक साथ नीचे जाते हैं, इस तरह से। जैसे पानी में पत्थर मारते हैं तो जो गोलाकार आकृति देखी होगी आपने बनती है, तो वो जो आगे बढ़ती हुई इस प्रकार से वो दिखती है अपने, माध्यम के कण नहीं बढ़ते, वो वहीं आप कंपन करते रहते, तरंग बढ़ती आगे, ऊर्जा स्थानांतरित होती। तो ये जो एक साथ कण ऊपर जा रहे और एक साथ नीचे जा रहे, इसी को हाइगन ने तरंगाग्र या वेव फ्रंट नाम दिया था। क्या होता है कि जब किसी माध्यम में कोई स्रोत रखते हैं, उस स्रोत से तरंगे निकलती है, उस तरंगों के कारण जब माध्यम के कण कंपन करते हैं तो माध्यम में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके सभी कणों के कंपन समान कला में, कला का मतलब समझते हो, एक साथ ऊपर जाना, एक साथ नीचे जाना, तो यदि ऐसे कंपन हो रहे एक साथ ऊपर और एक साथ नीचे, तो ऐसे कंपनों का जो समूह होगा
उसको नाम देते हैं तरंगागा। यह ऐसा पृष्ठ है जिसके सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, मतलब एक साथ ऊपर जाते हैं एक साथ नीचे आते हैं, तो ऐसे पृष्ठ को हम तरंगागा या वेव फ्रंट के नाम से जानते हैं। यदि तरंग स्रोत बिंदु के आकार का हो, मान लो कोई स्रोत हमारे पास बिंदु के आकार का हो, जैसे सन है, सन क्या होता है बिंदु के आकार का, गोला गोल, तो उससे जो तरंगाग्र होगा वो गोली तरंगाग्र होगा, गोलीय तरंगाग्र होता है। और स्रोत यदि बहुत दूरी पर स्थित हो तो तरंगाग्र समतल हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है इसका कि ये स्रोत है हमारे पास, इस स्रोत के पास में यदि हम देखते हैं ये बिंदु के आकार का स्रोत है, बिंदु का आकार मतलब पॉइंट साइज है, एक पॉइंट के आकार का कोई स्रोत है, इस तरह से ये पॉइंट के आकार का स्रोत है। अब इससे तरंगे निकलेंगे, अभिसारी दिशा में निकलेंगे, इस तरह से तरंगे निकलेंगे। यहाँ कोई कण है मान लो, ये भी कंपन करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, यहाँ कोई कण है तो यहाँ भी ये वाइब्रेट करेगा, यहाँ कोई कण है ये भी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, कंपन करता है। तो जो कंपन करता है, तो उन्होंने बताया कि जब स्रोत सीमित दूरी पे होता है तो तरंगाग्र गोलाकार होता है, गोली तरंगाग्र बनता है, चारों तरफ बनता है। और इधर यदि दूर चले जाए अपन, बहुत दूर है ना, जैसे सूर्य से प्रकाश हमारे तक आता है, तो सूर्य बहुत दूर अनंत पे मान लिया, तो उससे जो तरंगाग्र बनता है वो हमारे पास में समतल तरंगाग्र बनेगा। लेकिन मान लो कि कोई स्रोत पास में रखा हुआ, जैसे बल्ब या कोई सी चीज पास में रखी हुई, उससे अपन यहाँ तरंगाग्र प्राप्त करना चाहते हैं सीमित दूरी पर पास में, तो वो तरंगाग्र कैसा दिखता है, गोलाकार तरंगाग्र प्राप्त होता है। तो पहला पॉइंट समझ में आएगा क्या करना है। पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जब भी किसी प्रकाश स्रोत से कोई तरंगे निकलती है, प्रकाश सोर्स होता है, उससे तरंगे प्रोपागेट करती है, गति करती है, संचरित होती है, निकलती है, तो उस निकलने के कारण से उसके जो माध्यम, जिस माध्यम में वो चल रही है, उस माध्यम के कण भी कंपन करने लगते हैं। और माध्यम में स्थित ऐसा पृष्ठ है जिसके कणों के कंपन समान कला में होते हैं, मतलब सब कण ऊपर एक साथ जाते हैं, सब कण एक साथ नीचे आते हैं, तो ऐसे पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहते हैं, वेव फ्रंट के नाम से जानते हैं, जिसके वाइब्रेशन, जिसके कंपन समान कला में होंगे, ऐसा पृष्ठ, ऐसा सरफेस को हम वेव फ्रंट या तरंगाग्र कहते हैं। और यदि प्रकाश स्रोत सीमित दूरी पे होता है, पास में होता है, तो जो तरंगाग्र बनता है गोली तरंगाग्र बनता है। और यदि स्रोत बहुत दूर होता है, असीमित दूरी पर या अनंत दूरी पर स्थित होता है, तो तरंगाग्र समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है। ये पहला पॉइंट अपने को नोट करना। दूसरा, इसमें उन्होंने बताया कि तरंगाग्र में स्थित प्रत्येक माध्यम के कण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो भी कण होता है एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है। मान लो ये कोई कण है, यहाँ पे ये पहला कण, दूसरा कण, ये कण है, यहाँ पे तरंग है, पहले यहाँ थी अब यहाँ पे आ गई, पहले ए टू पे थी अब ए पे आ गई कण, फिर इसके चारों तरफ एक अपने तरंगाग्र खींच दिया, गोला खींच दिया, कण क्योंकि कंपन हो रहे, वाइब्रेट हो रहे, तो ये जो गोला खींचा है ये जो तरंगाग्र के कारण से हमने गोले खींचे, ये कणों के कंपन होकर गोले हमारे पास है। तो सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण, माध्यम का जो कण होगा, एक नई तरंग स्रोत का कार्य करता है। स्रोत ओरिजिनली ये है एस, लेकिन ये जो कण हमने पास में बने हैं, यहाँ से कण, ये कण के जो कंपन हो रहे हैं, ये कण के जो कंपन हो रहे हैं, ये भी एक तरह से क्या करेगा, एक नए सोर्स की तरह कार्य करेगा, एक नया स्रोत की तरह कार्य कर, इससे भी तरंगे उत्पन्न होगी। जैसे यहाँ से तो उत्पन्न हुई है, तो यहाँ से गई तरंगे, यहाँ मान लो कण है, ये कंपन करने लगा, ये कंपन करने लगा क्या होगा, इससे भी नई तरंगे उत्पन्न होने लगेगी, क्योंकि ये कंपन करेगा पास वाले जो कण है उसको तरंग देगा, वो कंपन करने लगा, वो पास वाले को देगा तो वो कंपन करने लगा। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो कणों के जो कंपन होते हैं प्रकाश स्रोत से, जो माध्यम के कण जो तरंगे जा रही है उससे स्रोत के जो कंपन होते हैं, वो जो कंपन होता है वो एक कह सकते आप वो एक दूसरे स्रोत की तरह कार्य करने लगता है। एक स्रोत मेन स्रोत तो ये है, इससे तरंगे निकल रही, कण के कंपन हो रहे, अब ये जो कण होगा ये भी एक स्रोत की तरह कार्य करने लगेगा, नए सोर्स से इससे भी तरंग निकलती है, और इसी को हमने नाम दे दिया है द्वितीय तरंगिकाय, सेकंड इज वेव्स कहते हैं। स्रोत से जो निकल रही है वो नहीं, स्रोत के बाद में जो जा रही है
जिससे कण कंपन कर रहे हैं। तो जो कण कंपन करने कारण से दूर दूसरी तरंग भी उत्पन्न होती है, ये जो कण है एक नए स्रोत की तरह कार्य करते हैं और उसी को उससे जो तरंगे निकलेगी उसी को हम द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती है। इन सभी तरंगों को द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं। ध्यान, ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि माध्यम के जो कण होते हैं वो नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करते हैं, मतलब उससे भी तरंगे निकलेगी, उन तरंगों को ही हम द्वितीय तरंगिकाएं या सेकेंडरी वेव्स कहेंगे। तो माध्यम के जो कण होते हैं वो कण द्वितीय तरंगिकाओं की तरह कार्य, उससे भी प्रकाश तरंगे निकलती सभी दिशाओं में निकलती और उन तरंगिकाओं को ही, उन तरंगों को ही हम द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह भी माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से ही आगे बढ़ती है। जो यहां से उसकी जो चाल होगी, ये मुख्य स्रोत है, इससे जो तरंगे निकलती है प्राथमिक, और ये कण के कंपन के कारण से निकल रही है द्वितीय। तो इससे जो तरंगे निकलती है उसकी जो चाल होगी इसकी चाल के बराबर ही होगी, जो मेन सोर्स से जो तरंगे आ रही है उसी चाल से ये द्वितीय तरंगिका भी आगे क्या होगी, गमन करती है, उसी स्पीड से ये भी चलती है। ध्यान रखना। लास्ट पॉइंट, यदि किसी क्षण आगे बढ़ते हुए द्वितीय तरंगिका पृष्ठ खींचे तो वह पृष्ठ तरंगागर की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लो कि ये हमने एक पृष्ठ खींचा तो एक नया तरंगागर बन गया। अब ये कण यहाँ कंपन करने लगा तो यहाँ गोला खींच देंगे तो एक नया तरंगागर यहाँ बनता जाएगा। तो इस तरह ये कण यहाँ आ गए मान लो ये, तो एक नए तरंगागर की क्या करेगा, वो स्थिति को प्रदर्शित करता है। यदि किसी क्षण आगे बढ़ते हुए इन द्वितीय तरंगिकाओं को का पृष्ठ खींचे, मान लो ये द्वितीय तरंगिका आगे बढ़ रही है और हमने एक पृष्ठ खींचा, एक पृष्ठ ये खींच दिया, एक पृष्ठ ये खींच दिया, तो ये क्या करता है, तो यह पृष्ठ उस क्षण तरंगागर की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। ये आगे बढ़ते जाता तरंगागर नई स्थिति, मान लो और कण यहाँ आ गए तो ये कण यहाँ पे अपने पास में पृष्ठ खींच सकते हैं, कंपन होंगे, वाइब्रेशन होगा सभी चारों डायरेक्शन, तो एक नया तरंगागर प्रदर्शित होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई, ये आगे बढ़ेगी क्योंकि ये तो लाइट वेव्स है, तो ये आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, उसके कण कंपन करेंगे, तो वहां पर क्या करना, अपने को एक पृष्ठ खींचेंगे, वो जो पृष्ठ खींच रहे वो एक नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यानी कण के जो कंपन हो रहे हैं उसको आगे बढ़ते हुए यदि हम खींचते हैं, उसके तरंगाग्र वेव फ्रंट खींचते हैं, तो वो एक नया तरंगाग्र बनता जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी नया तरंगाग्र बनता जाएगा। इसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, एक पृष्ठ उस पर खींचना पड़ेगा। तो ये जो पृष्ठ खींचते हैं वो क्या प्रदर्शित करता है, तरंगागर की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। अभी यहाँ का तरंगा अभी यहाँ आ गया, अभी यहाँ आ गया, अभी यहाँ आ गया, तो इस तरह से तरंगागर की जहां पर पृष्ठ खींचते जाते हैं वो पृष्ठ एक नए तरंगागर की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार से इस पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक फेस सोर्स, सभी ये हमने यहाँ बता ही दिया कि प्रत्येक बिंदु जो होता है, प्रत्येक पॉइंट क्या होता है, एक नए वेव फ्रंट की नए सोर्स की तरह कार्य करता है। फिर द न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम लेटर इज ऑब्टेन्ड बाय द टेकिंग द फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ द ऑल सेकेंडरी वेव्स एट दैट टाइम। जो हमारे पास में जो हम खींचे एनवेलप, एनवेलप मतलब अंतर पृष्ठ खींचे गोला बना रही है, इसकी बात हम कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी वेव्स को प्रदर्शित करेगा, यानी नए वेव फ्रंट को वो प्रदर्शित करता है। तो ये हमारे पास में थ्योरी में ये हमें डायग्राम बनाना है और ये तीनों पॉइंट इसमें लिखना है। अब जो पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको, इसमें जो होता है उसको हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, उसका किसमें कारण बता रखा है कि 1 cos थीटा इज 0 डिग्री होता है, जो पीछे वाला जो होता है 180 डिग्री से होता जाता है, इसलिए उस वेव फ्रंट को हम छोड़ते हैं और आगे बनाते जाते हैं वेव फ्रंट, क्योंकि ये तरंग चलेगी तो आगे की ओर बढ़ेगी, पीछे की ओर नहीं आएगी, इसलिए पीछे वाले भाग को हम क्या करते हैं, छोड़ते जाते हैं। तो ये चीज़ें इसमें ध्यान रखना। तो ये हमारे पास आयतन का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।